बुलंदशहर से बड़ी खबर, खुर्जा नगर पालिका से कर्मचारियों ने चोरी कर बेची करोड़ों की लाइट। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोरी कर बेची गई 4 सोलर प्लेट भी मौके से पुलिस ने की बरामद। पुलिस ने गोदाम मालिक को पकड़ा। नगर पालिका का प्राइवेट कर्मचारी आफ्ताब फरार। नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा चोरी में लिप्त कुछ कर्मचारियों को बचाया जा रहा है। खुर्जा कोतवाली के अकबाल फाटक से निकट है सैफी एग्रो के नाम से है गोदाम। देखिए बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट। अभी कल हमारे पास एक वीडियो हमारे संज्ञान में आई थी और वो इंस्पेक्टर साहब के भी संज्ञान में, खुर्जा कोतवाल जो हमारे वर्तमान में हैं उनके संज्ञान में भी थी। पता लगा था कि एक यहाँ पर कोई लोहे की फैक्ट्री काम करती है अग्रवाल फाटक से उल्लंग, जिनका मुझे व्यक्तिगत नाम मुझे जानकारी नहीं है, उनके यहाँ पूर्व से ही वो लाइट चोरी करके वहाँ पर जमा करी जाती थी। उनके द्वारा 1000-1500 रुपये, मात्र 1000-1500 रुपये में कुछ फैक्ट्रियों में और दूध प्लांट में और अगौरे में और 2-4 गाँव के नाम और आए हैं जहाँ पर एक हज़ारों की तादाद में लाइट देखी गई हैं। ठीक है, आपके नगर का पालिका के अंदर पुराने समय से ये लाइट चोरी होकर जा रही, क्योंकि हम चिंता में थे कि जब 5500 लाइट गवर्नमेंट से आई थी हमारी नगर पालिका में तो लाइट है कहाँ शहर में। हम लोग, हमारी शहर की जनता परेशान है लाइट को लेकर। वैसे हम वर्तमान में लाइट की समस्या से दूर कर देंगे, लेकिन अभी हमने उसका चिंतन किया और जानकारी प्राप्त की लाइट कहाँ गई, तो पता लगा था कि कुछ लोगों ने इस लाइटों का दुरुपयोग करके इन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी जानकारी में भी दे दी थी और दूर गाँवों में जहाँ पर पूर्व में कोई इलेक्शन लड़ा था उन लोगों ने, तो वहाँ पर गाँव में ही बांट दी थी जो हमारा नगर पालिका का क्षेत्र नहीं था। लेकिन सब जानकारी प्राप्त की जा रही है और उधर उनके खिलाफ़ भी FIR की जाएगी। जहाँ जहाँ लाइट लगे उनको चिन्हित किया जा रहा है।